रामनाथ कोविंद आज 14वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। संसद के सेंट्रल हॉल में दोपहर 12:15 बजे रामनाथ कोविंद का शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। समारोह में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद के सदस्य, राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशनों के प्रमुख और तमाम सांसद शामिल होंगे। कोविंद के शपथ ग्रहण पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर आपको पल पल की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति भवन से प्रकाश पांडे, रामनाथ कोविंद के मौजूदा घर से यतेंद्र शर्मा और प्रणब मुखर्जी के नए घर 10 राजाजी मार्ग से रजत राकेश टंडन और रामनाथ कोविंद के पैतृक गांव परोख से वर्णित गुप्ता मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं शपथ ग्रहण समारोह का पूरा कार्यक्रम। सुबह 10:30 बजे रामनाथ कोविंद राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। सुबह 11:20 पर रामनाथ कोविंद अपने घर से राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:57 पर प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद संसद के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:03 पर प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद संसद भवन पहुंचेंगे। दोपहर 12:15 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में चीफ जस्टिस रामनाथ कोविंद को शपथ दिलाएंगे। दोपहर 12:15 बजे नए राष्ट्रपति कोविंद को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। दोपहर 12:30 बजे नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबोधन होगा। दोपहर 12:44 पर रामनाथ कोविंद और प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगे। दोपहर 1:45 पर राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। दोपहर 1:45 पर राष्ट्रपति कोविंद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके नए सरकारी बंगले छोड़ने जाएंगे। तो प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड इसमें खास तौर पर सेरेमनी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सेना के इस यूनिट में 220 सैनिक होते हैं। कर्नल या ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी इसकी अगुवाई करता है। भारतीय सेना की सबसे पुरानी यूनिट में से एक है। प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स की यूनिट का गठन 1773 में हुआ था। 1773 में यूनिट को गार्ड्स ऑफ मुगल्स कहा जाता था। ब्रिटिश राज में वायसराय बॉडीगार्ड्स नाम पड़ा। इस यूनिट के जवान युद्ध में भी हिस्सा ले चुके हैं। राष्ट्रपति के काफिले में प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स सबसे आगे होते हैं। जवानों की लंबाई 6 फीट या उससे ज्यादा होनी चाहिए। यूनिट में सबसे अच्छी नस्ल के घोड़े होते हैं। तो आपने सुना प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड के बारे में। आप जब समारोह का पूरा काफिला देंगे तब बेहद आसानी से समझ लेंगे कि कितने अलग, कितने अनोखे और कितने बेहतरीन दिखाई देते हैं प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स और क्या उनकी पोशाक होती है। लाल कलर की उनकी पोशाक होती है और जो घोड़े होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तगड़े होते हैं और बहुत मेंटेन किए जाते हैं। और अब आपको दिखाते हैं राष्ट्रपति भवन की खास बातें। दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों में से एक है ये। राष्ट्रपति भवन को बनाने में 17 साल लगे। 1911 में इमारत बनाने का काम शुरू हुआ। 1929 में इमारत बनकर तैयार हुई। वायसराय के रहने के लिए बनाई गई थी ये इमारत। इमारतें बनाने में 70 करोड़ की ईंटों का इस्तेमाल हुआ। इमारत को बनाने में करीब 1.5 करोड़ रूपये, उस जमाने की 1.5 करोड़ रूपये खर्च हुए। आजादी से पहले इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। तो आइए सबसे पहले सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा के पास। यतेंद्र शर्मा इस वक्त जो मौजूदा घर है रामनाथ कोविंद जी का, वहां मौजूद है, अकबर रोड पर मौजूद है। और साथ ही साथ मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन के पास, जो इस वक्त मौजूद है नए घर में, जहां राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी रिटायर होने के बाद रहेंगे, वहां पर रामनाथ कोविंद उनको उस घर तक भी छोड़ने जाएंगे। यतेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, और मेरे साथ दो मेहमान और जुड़े हुए हैं। मेरे साथ एसएम खान साहब हैं जो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के प्रेस सेक्रेटरी रह चुके थे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री हैं और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त जी हैं। यतेंद्र, सबसे पहले रामनाथ कोविंद इस वक्त क्या कर रहे हैं? तैयारियां हो रही होंगी? किस कलर का बंदगला उन्होंने सिलवाया है? किस कलर के कपड़े पहनने वाले हैं? और क्या खास तैयारियां हो रही हैं उनके घर के अंदर इस वक्त? और उनकी इमीडिएट फैमिली क्या कर रही है?
जी बिल्कुल, मैं आपको घर का बाहर से नजारा दिखा देना चाहूंगा दीपक जी की। बिल्कुल अब से कुछ देर में ही रामनाथ कोविंद बाहर निकलेंगे। आप अभी यहाँ पर कुछ बसें लगाई गई थी जिन पर उनके गेस्ट थे, गेस्ट तैयार होकर उन बसों में बैठकर, जो वॉल्वो बसें थी उनमें उनको ले जाया गया है। सबसे पहले अगर मैं घर के अंदर की मैं बात करूं तो काफी लोग सुबह से ही मिलने आ रहे हैं, उनके तमाम रिश्तेदार कल से ही यहाँ पर जो 10 अकबर रोड है जो उनका अभी टेम्पररी निवास बनाया गया वो वहां पर पहुंच गए थे और सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर चल रहा था, तमाम लोग बधाई देने आ रहे थे। और अब से कुछ देर के बाद यानी कि अब से ठीक 7 या 8 मिनट के बाद वो राजघाट की तरफ निकलेंगे। सबसे पहले जो विजिट उनकी राजघाट की तरफ होगी, उसके बाद वो अपने वापस इसी निवास स्थान पर आएंगे और फिर रायसीना हिल्स यानी कि डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के पास जाएंगे और उनसे ऑफिशियली पहली मुलाकात होगी जो अभी यहां तक बताया गया है। लेकिन और अंदर की मैं बात करूं केवल घर के अंदर की तो तमाम रिश्तेदारों से और जो उनके शुभ चिंतक हैं उनसे कुछ देर पहले रामनाथ कोविंद मिले और उन सबको उन्होंने सेंट्रल हॉल जो जहां पर उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा वहां पर जाने के लिए बोला है। और कई सारे जो रिश्तेदार नातेदार उनके जो हैं वो उन वॉल्वो बसों में बैठकर अभी राजघाट की तरफ निकल चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद खुद रामनाथ कोविंद भी अपने काफिले के साथ राजघाट जाएंगे। सबसे पहले जो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है उसको वो राजघाट जाता है, ये परंपरा है। और राजघाट जाने के बाद वो फिर राष्ट्रपति भवन के नॉर्थ कोर्ट में जाता है और वहां से जो अभी के राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी, जो अभी तक राष्ट्रपति हैं, जो निवर्तमान राष्ट्रपति होंगे, रिटायर्ड राष्ट्रपति होंगे, वो वहां पर उनसे मिलेंगे और औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। एसएम खान साहब के पास चलता हूं। खान साहब, इस सेरेमनी का क्या इम्पोर्टेंस है और मेरे ख्याल से शुरू से सेरेमनी चली आ रही है, कितनी देर लगती है, कितने घंटे लगते हैं और क्या क्या होता है इस पूरी सेरेमनी के दौरान? ये ऐसा है दीपक कि ये सेरेमनी का प्रोटोकॉल बहुत पुराना है और पूरा एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल है, इसमें जो नए सर आप थोड़ी देर में मैं आपके पास फिर आऊंगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम तकनीकी दिक्कत आ रही है, आपकी जो तस्वीर है उसके अंदर एक फ्लिकर आ रहा है। रजत के पास चलता हूं। रजत, आप 2 राजाजी मार्ग पर खड़े हैं जहां पर जो प्रणब मुखर्जी जी हैं वो रहने जाएंगे। ये लुटियंस में कुछ एक बंगलों में से है जो 2 मंजिला है, इस बंगले की क्या खासियत है, इससे पहले कौन कौन इसमें रह चुके हैं? देखिए 10 राजाजी मार्ग अलॉट हुआ है प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी को। राष्ट्रपति पद का जब कार्यकाल खत्म होता है तो दीपक जी एक ऑप्शन मिलता है कि आप देश में किसी भी कोने में अपने गृह स्थान पर दिल्ली में कहीं भी एक बंगलो ले सकते हैं। जब तक आप जीवित रहते हैं या आपकी वाइफ रहती है तब तक वो बंगला आपके पास रहता है। तो प्रणब मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल चूज नहीं किया, जैसे कि यहाँ पर हेलो जी बोलिए रजत, आपकी तस्वीर में कुछ दिक्कत आ रही है लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, आप कंटिन्यू रख सकते हैं। 10 राजाजी मार्ग जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो चूज किया उन्होंने पश्चिम बंगाल को चूज नहीं किया है, दिल्ली को ही चूज किया है। 10 राजाजी मार्ग वो जगह है जो चलिए लगता है मौसम खराब होने की वजह से रजत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले मैं विनोद जी से शुरुआत करूंगा। विनोद जी, ये परंपरा तो मेरे ख्याल से दशकों पुरानी है, जब से राष्ट्रपति निर्वाचित होना शुरू हुए इस देश में, जब से हम गणतंत्र बने उसके बाद से ये परंपरा चली आ रही है, क्या खासियत है इस परंपरा की जो शपथ ग्रहण समारोह होता है राष्ट्रपति की उसकी? नहीं, सबसे बड़ी खासियत तो इसकी ये है कि चूंकि राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं और संसद जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूट होती है उसमें राष्ट्रपति और संसद के दोनों अंग ये मिलाकर भी पूरी संसद होती है। तो आज के दिन सेंट्रल हॉल में पूरी संसद बैठी होगी, तमाम विशिष्ट लोग होंगे, राष्ट्रपति जो निर्वाचित हुए हैं वो होंगे, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति और साथ में मुख्य न्यायाधीश जो है उनको शपथ दिलाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ये परंपरा है और इसमें राष्ट्रपति की शपथ होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी आप जिसके बारे में कर रहे थे, जो बात कर रहे थे रजत से, कि इन्होंने राजाजी मार्ग वाला बंगला जो है इन्होंने चयनित किया है प्रणब मुखर्जी से, 10 राजाजी मार्ग। तो आमतौर पर ज्यादातर जो पूर्व राष्ट्रपति हुए हैं वो दिल्ली में ही रहना पसंद करते हैं। एक प्रतिभा पाटिल का अपवाद है कि उन्होंने पुणे में जो है अपने आवास चुना। वेंकट रमन साहब भी हालांकि दक्षिण के थे लेकिन वो दिल्ली में ही जो है रहे थे, सफदरजंग रोड पर और बिहारी वाजपेयी जी का
सात सफदरजंग रोड का जो कलाम साहब भी कलाम साहब भी दिल्ली में रहे, कलाम साहब राजाजी मार्ग पे राजाजी मार्ग पे रहे थे, के नारायण साहब भी दिल्ली में रहे। मतलब जहां तक मुझे याद पड़ता है जब से हम लोग जो है वो संभाला है तो आमतौर पर प्रतिभा पार्टी को छोड़ करके ज्यादातर राष्ट्रपति जो है वो यहीं रहे। हाँ, राजेंद्र बाबू जरूर पटना चले गए थे, वो सदाकत आश्रम में ही रहे थे। तो ये एक राष्ट्रपतियों की राष्ट्रपति जब निवर्तमान होते हैं, जब वो ऑफिस से बाहर होते हैं, जब अवकाश लेते हैं, तब जाकर के उनको यह ऑप्शन दिया जाता है, विकल्प दिया जाता है कि कहां रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रणब मुखर्जी का जो व्यक्तित्व है पूरा, वो दिल्ली में रहेंगे तो कम से कम एक वरिष्ठ राजनेता एक स्टेट्समैन के नाते वो मौके बेमौके जो है अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराते हैं, मार्गदर्शन देते रहेंगे, मार्गदर्शन देते रहेंगे सभी नेताओं का और सभी दलों में, चूंकि उनका सम्मान है और उन्होंने अपनी छवि राष्ट्रपति बनने के बाद दलगत राजनेता से ऊपर बनाई है। कहीं उनके ऊपर ये आरोप नहीं लगा कांग्रेस के राष्ट्रपति हैं या कांग्रेस के किसी कैंप के विरोधी राष्ट्रपति हैं। उनसे सोनिया गांधी भी सलाह लेने जाती रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे सलाह लेते रहे, उनसे और तमाम विपक्ष के नेता सलाह लेते रहे। और जब वो दिल्ली रहेंगे तो निश्चित रूप से कभी किसी अहम मसले पर अगर जरूरत पड़ेगी तो प्रधानमंत्री विपक्ष नेता उनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं, ये एक उपलब्धता रहेगी। आप देखिए कलाम साहब रिटायर होने के बाद कितने एक्टिव थे, वो तमाम सारे कार्यक्रमों में जाते थे, हाँ, विश्वविद्यालय में पढ़ाने जाते थे। और जब उनका जो उनका निधन हुआ वो भी मिलते थे, उनका भी भाषण देते हुए बिल्कुल कि वो एक कार्यक्रम में ही थे। प्रतिभा पाटिल जरूर उस तरह से एक्टिव नहीं है, कुछ शायद उनका उम्र और स्वास्थ्य उसका एक कारण है कि वो पुणे में जाने के बाद दिल्ली एक ही दो बार आई, लेकिन आमतौर पर पूर्व राष्ट्रपतियों की एक भूमिका ये जरूर रहती है। ज्ञानी जैल सिंह का मैं बताऊं, ज्ञानी जैल सिंह बहुत ही एक्टिव राष्ट्रपति थे, जब राष्ट्रपति भवन में थे, राष्ट्रपति पद से उतरने के बाद वो धरने पर बैठे थे, संघ लोक सेवा आयोग में भारतीय भाषाओं को लेकर भाषाओं को हम लोगों ने धरना आयोजित किया था, जयशंकर जी बैठे हुए हैं, हम सब लोगों ने उसमें आयोजित किया था, उसमें ज्ञानी जी आगे धरने पर बैठे थे, वो अपने आप में एक अलग तरह का उदाहरण था। तो इस तरह राष्ट्रपतियों की एक भूमिका रहती है कार्यालय से उतरने के बाद। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अहम दिन है आज कि कोविंद जी जो स्वयं मेरे प्रदेश के मेरे शहर के ही हैं, वो आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं और उस इलाके के हैं जहां मेरे ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर रहा करते थे और वो बिल्कुल उसी इलाके के परोक के जी परोक के पास ही मेरा आप भी कानपुर के ही हैं जी, मैं कालपी का हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि परोंक और कालपी कितने नजदीक हैं आपस में एक दूसरे से। लेकिन अब मैं बचपन से मध्य प्रदेश में रह रहा हूं तो वहां का मैं अपने आप को कहूं या ना कहूं ये उस इस दुविधा में रहता हूं। के बाद कोविंद जी यहां रहे वो मेरा ही मोहल्ला था जी बिल्कुल, कल्याणपुर जो है उसके जो दयानंद विहार है कल्याणपुर क्षेत्र में ही एक कॉलोनी है। चलिए, राष्ट्रपति जब रिटायर होते हैं तब भी उनकी एक भूमिका रहती है, जैसे कलाम साहब ने निभाई, वो एक कर्मयोगी थे, शिक्षाविद थे, साइंटिस्ट थे और पूरी जिंदगी वही बने रहे और एक दिन भाषण देते देते दुखद घटना घटी और उनका निधन हो गया। लेकिन प्रणब दा हमको लगता है कि देश को अपनी सेवाएं इसी तरह से देते रहेंगे। प्रणब दा के बारे में कहा जाता है कि उनको इतिहास की भारतीय जो भारत का लोकतंत्र जब से बना है उसके जो इतिहास की वो एक एक योजना एक एक घटना याद है, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा उनका दिमाग, कितना बड़ा गूगल होगा। गूगल तो अब आया है लेकिन प्रणब दा के दिमाग के बारे में कहा जाता है कि उनको कांग्रेस की हर नीति हर पॉलिसी और हर ट्रेडिशन के बारे में भारतीय राजनीति की। तो प्रणब दा जरूर निवृत्तमान होने के बाद भी एक्टिव रहेंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं, इसीलिए वो दिल्ली में रह रहे हैं। खुद पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और पॉलिटिकल व्यक्ति ही पूरी जिंदगी बने रहना चाहेंगे। फिलहाल ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो चलेंगे हमारे सहयोगियों के पास। प्रकाश पांडे राष्ट्रपति भवन से जुड़ रहे हैं, विजय चौक से वो मौजूद होंगे, वहीं पर आपको लिए चलेंगे। लेकिन निर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अपने घर से अकबर रोड से निकल चुके हैं राजघाट जाने के लिए। हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा ने उनके काफिले को देखा है, आइए देखते हैं कि उन्होंने वहां पर क्या देखा और किस तरह से वो निकले राजघाट के लिए। काफिला निकल चुका क्योंकि परंपरा है कि जब कोई राष्ट्रपति चुना जाता है तो शपथ लेने से पहले वो राजघाट जाता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। देख सकते हैं आप रामनाथ कोविंद का काफिला निकल चुका है अपने घर से और पहली विजिट चुनने से पहले शपथ लेने से पहले राजघाट की तरफ ये जा रहे हैं जहां पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तमाम रिलेटिव उनके पहले ही वॉल्वो बस में निकल चुके हैं राजघाट की तरफ। आप देखते तमाम जो काफिला उनके घर से निकलकर राजघाट की तरफ रवाना हो चुका, वहां पर
पर महात्मा गांधी को वो श्रद्धांजलि देंगे, उसके तुरंत बाद वो वापस अपने इसी आवास पर वापस आएंगे और करीब 11:30-11:30 बजे के आसपास वो राष्ट्रपति भवन यानी कि रायसीना हिल्स जाएंगे, जहां पर पहली मुलाकात उनकी डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के साथ होगी। वहां पर पहली ऑफिशियल मीटिंग होगी जहां पर कुछ बुनियादी बातें जो फाइल्स हैं, जो पेंडिंग केस हैं, जो इम्पोर्टेंट केस हैं, उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे जो परंपरा रही है। और उसके बाद दोनों वहां से एक ही गाड़ी में, एक ही बग्गी में बैठकर पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे, जहां पर उनकी अगवानी उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति हैं हामिद अंसारी साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन करेंगे और फिर सेंट्रल हॉल में उनको ले जाया जाएगा, जहां पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको वहां पर शपथ दिलाई जाएगी और 14वें राष्ट्रपति के तौर पर वो वहां पर शपथ लेंगे। कैमरामैन पिंकी के साथ यतीन शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो यहां पर आपने देखा सफेद गाड़ियों का काफिला, लेकिन जल्दी ही ये गाड़ी बदल जाएगी उनके एक लिमोसिन में जो ब्लैक कलर की मर्सिडीज होती है। जयशंकर जी, क्या परंपरा है इस ब्लैक मर्सिडीज की, और जिसमें आएंगे वो बाद में जाएंगे दोनों, तो आमने सामने की सीट्स होती है, बड़ी पुरानी गाड़ी है, वो एंटीक गाड़ी है। हाँ नहीं, परंपरा लगातार शुरू से ही चली आ रही है कि तो सीटों का अदल बदल होगा, फिर वो एक दूसरे को अपना पदभार देंगे, करेंगे शेयर्स करेंगे, जो सूचनाएं होती हैं, कुछ जो मतलब गोपनीय सूचनाएं होती हैं उसका भी आदान प्रदान। जब राष्ट्रपति भवन में जाएंगे कोविंद साहब, तो प्रणब मुखर्जी जो परमाणु बम के जो भी होते हैं, इस तरह की जो सूचनाएं होती हैं उसका आदान प्रदान होता है। और गाड़ियों का भी मतलब अब जैसे गाड़ी छोड़ने जाएगी उनको, दूसरी गाड़ी जिस परंपरागत है उसमें ये फिर नए राष्ट्रपति उसमें आएंगे, तो ये तो शुरू से ही रहा है ये लगातार। और बल्कि हमको याद है तो एक समय कि जब राधा कृष्ण जी जब राष्ट्रपति चुने गए थे, तो राजन बाबू चूंकि दिल्ली में नहीं रहना चाहते थे, वो पटना रहने चाहते थे, तो उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गए थे, राधा कृष्ण जी उनको स्टेशन तक छोड़ने गए थे। तो उस समय इस तरह की हमारे एक मिनट रुकूंगा, यतेंद्र शर्मा शायद कुछ कहना चाहते हैं। यतेंद्र बताइए, इस वक्त क्या हो रहा है रामनाथ कोविंद जी के घर पे? यतेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप हाथ हिला रहे थे, बताइए क्या हो रहा है रामनाथ कोविंद जी के घर पे इस वक्त? जी देखिए, काफिला उनका निकल चुका है और ब्लैक कलर की मर्सिडीज ही उनको भेजी गई थी, उस ब्लैक कलर की मर्सिडीज में ही बैठकर वो गए। हालांकि उनके आगे पीछे सफेद गाड़ियों का काफिला था, लेकिन ब्लैक कलर की मर्सिडीज ऑफिशियली उनको आ गई। हालांकि जो प्रेसिडेंट के लिए जो गाड़ी होती है, वो जब वो शपथ ले लेंगे उसके बाद उस गाड़ी को चेंज कर दिया जाएगा। जो हमारे यहाँ ऑफिशियल्स जो है उनसे बात हुई है, उनका कहना है कि फिलहाल उनके काफिले की एक मर्सिडीज उनको सुबह ही यहां पर लेने आ गई थी, और उसी मर्सिडीज से वो राजघाट गए और उसके बाद उसी गाड़ी से वो वापस आएंगे। लेकिन जो प्रेसिडेंट के लिए गाड़ी होती है, वो शपथ लेने के बाद उनको हैंड ओवर कर दी जाएगी। चलिए, यतेंद्र आपने दिलचस्प जानकारी दी है, इसको हम बराबर अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। और ब्रेक के बाद सीधे चलेंगे प्रकाश पांडे के पास, जो कि विजय चौक यानी राष्ट्रपति भवन के नजदीक से, राष्ट्रपति भवन से हमसे जुड़ गए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। लेकिन तो रामनाथ कोविंद आज देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ से पहले रामनाथ कोविंद महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे, और थोड़ी ही देर पहले रामनाथ कोविंद ब्लैक मर्सिडीज कार से अपने काफिले के साथ राजघाट के लिए रवाना हुए, और अभी इसी पल वो राजघाट पर पहुंच गए हैं। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, राजघाट पर हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। आप एक तस्वीर देख सकते हैं, प्रोटोकॉल में उनको एक एडीसी भी मिला हुआ है, नहीं एक मिलिट्री अटैची होगा, एक एडीसी होगा, और इस वक्त आप देख सकते हैं रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी को दोनों राजघाट की तरफ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए। अभिलाष जी, बापू को श्रद्धांजलि देना एक परंपरा सी है, क्यों आपको लगता है कि शांति के इस मसीहा को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी बड़े पद पर निर्वाचित होता है, वो यहां पर एक बार श्रद्धा सुमन देने जाता ही जाता है? देखिए, परंपरा क्या है इसकी? इसकी परंपरा तो जैसे आप और हम सब जानते हैं, शुरुआत के दिनों में जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ करीब 68-70 साल पहले, तब जब राष्ट्रपति, जब पहले राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और महात्मा गांधी जी का उस समय का जो कद था, और उन्होंने जो हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में जो उन्होंने जो भूमिका अदा की थी, और उन्होंने कभी भी किसी पद के पीछे जाने की लालसा नहीं रखी थी, तो गांधी जी का अपना हमारे भारतीय राजनीति में, समाज में, भारत के इतिहास में बहुत बड़ा स्थान है।
तो ये एक परंपरा पिछले कई वर्षों से चली आई है कि महात्मा गांधी जी जो शांति के पुजारी थे, जिन्होंने अहिंसा के लिए बहुत कुछ काम किया और उसके बावजूद जब देश बटा, उसके बाद जब उनको राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाने लगा, उनकी जब हत्या हो गई उसके बाद में जब राष्ट्रपिता जाने लगा, तब से सारे राष्ट्रपति वहां जाकर एक उनका आशीर्वाद के रूप में वहां पर उनको जाके सम्मान के रूप में वहां जाते हैं और वो परंपरा लगातार चली आ रही है। और मुझे लगता है कि एक अच्छी परंपरा है कि गांधी जी को लगभग सभी दल, कोई किसी भी पार्टी का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कोई भी हो, उन्होंने हमेशा गांधी जी को एक अपना अच्छा दर्जा दिया है। कई बार वो विवादास्पद स्थिति में आए थे जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन गांधी जी का अपना स्थान भारत में निश्चित रूप से बहुत अटल है, बहुत ऊंचा है। तो निश्चित रूप से नया राष्ट्रपति जब वहां जाएगा तो उनसे कुछ प्रेरणा लेने के लिए ही वहां जाने के बाद, जैसे आप भी कभी राजघाट गए होंगे, जब वहां जाने के बाद एक अलग अनुभूति का, एक शांति की अनुभूति, शांति के मसीहा। हमारी पीढ़ी ने तो गांधी जी को देखा नहीं था, लेकिन गांधी जी के वहां पर जाने के बाद में निश्चित रूप से आपको लगता है कि आप थोड़े से एनर्जाइज हो गए हो। आपको लगता है कि गांधी जी के जो मूल्य है उनके प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। मेरे ख्याल से इसी भावना के साथ हम देख रहे हैं टीवी पर कि कोविंद जी ने फूल अर्पण किए हैं, वहां पर उनकी पत्नी ने भी किए हैं। तो मुझे लगता है गांधी जी का जो देश में स्थान है, विश्व में स्थान है, उससे उनको निश्चित रूप से प्रेरणा मिलती होगी। हमारे सहयोगी नरेश विश्वानी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नरेश, आप तो बाहर होंगे लेकिन अंदर के दृश्य हम देख रहे हैं। इस वक्त श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद वापस लौट रहे हैं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और उनकी पत्नी। आपने किस तरह का वहां सिक्योरिटी का नजारा देखा, किस तरह की कैमरा की भीड़ देखी और किस तरह का वो ग्लैमर देखा जो राष्ट्रपति की पद के साथ अटैच्ड होता है? जी बिल्कुल, अगर हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो पूरे एरिया को एक तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सुरक्षा के काफी ज्यादा पुख्ता इंतजाम है। जो भी दोनों एंट्रेंस है राजघाट के, उन दोनों एंट्रेंस पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और तमाम आला अधिकारी, दिल्ली पुलिस के साथ ही साथ सीआरपी के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस दोनों एंड पर मौजूद है। और इसके अलावा मीडिया का भारी हुजूम अंदर है, अंदर क्योंकि पीआईबी एंट्री है तो अंदर तमाम सीनियर जर्नलिस्ट अंदर मौजूद है, कैमरा टीम अंदर मौजूद है। और अभी की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का भले ही जो प्रोटोकॉल होता है वो भले ही अभी ना हो, लेकिन अब से कुछ देर बाद प्रोटोकॉल अभी इन्हें मिल जाएगा। उसके बाद बकायदा देश के महामहिम की तरह पूरे काफिले के साथ ही निकलेंगे, लेकिन फिलहाल बकायदा इनको रूट दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बकायदा इनको रूट दिया है और जिस रूट से ये गुजरे थे उस रूट पर कोई अन्य व्हीकल, कोई अन्य गाड़ी अलाउड नहीं थी। उस पूरे एरिया पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात थे, बकायदा इनको अपने इनको रास्ता दिया गया था और उस पूरे रास्ते पर कोई भी व्हीकल, कोई भी गाड़ी वहां पर अलाउड नहीं थी। आम ट्रैफिक की पूरी तरह से मनाही थी और जैसे ही वो राजघाट के अंदर एंटर हो रहे थे तो उनको देख करके ऐसा महसूस हुआ कि वाकई में एक राष्ट्रपति की छवि हमें अभी से नजर आ रही है। हालांकि कुछ देर बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम होने वाला है, उसके बाद से जो तमाम प्रोटोकॉल्स होते हैं वो उनको मिलेंगे, लेकिन फिलहाल की स्थिति यहां पर यह है कि तमाम तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं राजघाट पर। और देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर चरखा दिया जा रहा है, जो वहां पर लोग होते हैं जो इस पूरी की पूरी समाधि का देखरेख करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, वो राष्ट्रपति जो निर्वाचित राष्ट्रपति है, नव निर्वाचित राष्ट्रपति, उनका शॉल उड़ाकर अभिवादन भी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं गांधी जी की मूर्ति और चरखा उनको भेंट किया गया है। चरखा यहां का एक प्रतीक होता है, गांधी जी की मूर्ति यहां की एक प्रतीक होती है और वो दोनों अपने साथ ले गए हैं और मेरे ख्याल से राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ाएंगे। क्यों जयशंकर जी? नहीं देखिए, जब भी कोई राष्ट्रपति होता है तो महात्मा गांधी की समाधि पर जाता है और पूरी दुनिया आज महात्मा गांधी के बारे में शोध कर रही है। आइंस्टीन ने तो लिखा भी था ना कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही यकीन कर पाएंगी कि कोई हाड़ मांस का ऐसा पुतला था जिसने सत्य और अहिंसा के बल पे इतनी बड़ी लड़ाई जीत ली थी। कुछ ताकतें देश में भी अभी तरह का शोध करती रहती है। हाँ, वो ठीक है, वो सब चलता है, लेकिन वैचारिक रूप से जैसा अभी अभिलाष ने कहा ना कि वैचारिक रूप से असहमति होने के बावजूद, अंदर से आप दिल से नहीं पसंद करते हो लेकिन उसके बावजूद चूंकि एक परंपरा बन चुकी है जो पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने जो डाली थी कि जब भी कोई नया राष्ट्रपति चुना जाता है तो पहले जाता है और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हो, गांधी जी के मूल्यों के साथ अपने को आत्मसात करता है। तो कहीं ना कहीं एक जो परंपरा है और चरखा जो है प्रतीक था जो स्वावलंबन का हमारी जो आप एक बात देखेंगे कि पिछले 3 वर्षों में गांधी जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी का भी जो पहले प्रेम शायद नहीं दिखता था वो भी काफी अब अच्छे तरीके से दिखने लगा है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी कुछ सोच में बदलाव आया है
और गांधी मुझे लगता है उसके पीछे देखिए हम सब लोग ऐसे आई थिंक उसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है वो सत्ता है, क्योंकि अब सत्ता में है और आप सत्ता में रहकर ऐसे बात नहीं कर सकते। सत्ता के साथ साथ एक और भी है, हम सारे लोग देखिए विदेश यात्राएं भी करते रहे, दुनिया में मुझे लगता है एक ही व्यक्तित्व ऐसा है जिसके नाम पर दुनिया में कहीं न कहीं कुछ न कुछ जरूर है और वो है महात्मा गांधी। इतना सम्मान जितना सम्मान महात्मा गांधी को पूरे विश्व में है उतना दुनिया के किसी भी नेता को नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो भारत के लिए मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। और अब सीधे हम चलते हैं राष्ट्रपति भवन जहां से मौजूद है हमारे सहयोगी प्रकाश पांडे। प्रकाश, क्या कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि एक तरफ राष्ट्रपति भवन है, दूसरी तरफ नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, और उसके नीचे जैसे ही हम उतरते हैं तो हमको पार्लियामेंट हाउस देखने को मिलता है। क्या कार्यक्रम होने वाला है रायसीना हिल से लेकर पार्लियामेंट तक, किस तरह से उनका कॉन्वॉय गुजरेगा, किस तरह से शपथ होगी, किस तरह से उनको ले जाया जाएगा सेंट्रल हॉल के अंदर? दीपक, मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त आप जो है यहां पे नहीं है तो आप कैसा महसूस कर रहे होंगे, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त यहां पे विहंगम दृश्य है। सब तैयारियां जो हो रही हैं उसका जो है जायजा अगर लें, चूंकि पूरा कॉर्डन ऑफ कर रखा है, अगर आप देखें यहां पिकेटिंग है अभी तो आम गाड़ियां जा रही हैं, पर जैसे ही चुने हुए राष्ट्रपति कोविंद जी अपने घर पहुंचेंगे उसके बाद उनको मिलिट्री सेक्रेटरी जो है लेके जब राष्ट्रपति भवन आएगा जिसका समय लगभग 11:40 का है, तो उससे 10 मिनट पहले ही 11:30 के लगभग ये सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। हो सकता है मीडिया को भी कहा जाए कि आप इस बैरिकेडिंग से आगे ना जाएं, और 11:40 पर जब वो पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन तो मिलेंगे सीधे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से, जहां पर वो दोनों स्टडी हॉल में बैठकर कुछ बातचीत करेंगे। उसके बाद फूड कोर्ट में आए 12:03 पर जो है कार्यक्रम है कि बग्गी मर बैठकर वो सीधे पार्लियामेंट हाउस आएंगे। दूसरी व्यवस्था ये की गई है कि अगर बरसात हो रही होगी, चूंकि बरसात का मौसम है, तो फिर वो जो लिमोजिन होती है उसमें बैठ कर यहां पे आएंगे पूरे शानो शौकत के साथ, और 12:03 पे उनको जो है प्रेसिडेंट यहां पर पार्लियामेंट हाउस में उनको रिसीव किया जाएगा। स्पीकर होंगी, राज्यसभा के चेयरपर्सन होंगे, साथ ही प्रधानमंत्री और तमाम कैबिनेट के लोग मौजूद होंगे। उसके बाद यहां पर 12:15 शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद जो है वो आकर कुर्सी ग्रहण करेंगे कोविंद जी, और प्रणब मुखर्जी जो है दूसरी कुर्सी पर बैठ जाएंगे। साथ ही कोविंद जी का जो है एक एक्सेप्टेंस स्पीच भी होगा छोटा सा। उसके बाद बताया जा रहा है कि लगभग 12:40 पे दोनों राष्ट्रपति फिर से उसी बग्गी में बैठकर वापस राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां पर प्रणब मुखर्जी जो है राष्ट्रपति कोविंद को राष्ट्रपति भवन घुमाएंगे, उनसे कुछ बातचीत करेंगे, और उसके बाद ये सारा कार्यक्रम होता रहेगा। उसी के बाद जो है आउटगोइंग प्रेसिडेंट को राजाजी मार्ग पर खुद छोड़ने जाएंगे कोविंद जी। ये शुरू से चली आ रही परंपरा है जो कार्यक्रम बताया जा रहा अभी तक, और इसके अलावा सारी यहां पर तैयारियां जोर शोर से हैं। मैं आपको बता सकता हूं अंदर अभी पार्लियामेंट हाउस नहीं गया कि वहां पर क्या तैयारियां हो रही हैं, लेकिन पूरा वहां पर भी अमला लगा हुआ है, चारों तरफ से सिक्योरिटी जो है पूरी तरह से चाक चौब है और पूरा कॉर्डन ऑफ कर रखा है पूरा एरिया। दीपक, प्रकाश, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी किस तरह से वो जाएंगे। दरअसल ये जो एक्सेप्टेंस स्पीच होगा ये 12:30 शुरू होगा और 12:44 शार्प खत्म हो जाएगा। जो प्रोग्राम होता है वो मिनट टू मिनट होता है, और बकायदा उस पूरे प्रोग्राम की, उस स्पीच की देखा जाता है उसकी लंबाई कितनी है। इस पूरे प्रोग्राम की जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है इसकी फुल ड्रेस रिहर्सल होती है। वह पार्लियामेंट हाउस पहुंचा है कोविंद जी का परिवार, आइए सीधे देखते हैं। तो ये रामनाथ कोविंद का परिवार है और देख रहे हैं सारे संपूर्ण पहले ही पहुंच गए हैं। आइए आप देख सकते हैं ये परिवार है, जो कोविंद जी का परिवार है वो काफी लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ा कुनबा है उनका, और इस बड़े कुनबे से लगभग सभी लोग, क्योंकि घर का अगर व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा तो स्वाभाविक है सभी लोग उसमें आना चाहेंगे, लेकिन कोविंद जी ने अपने परिवार के 25 लोगों को पास भेजा है, क्योंकि 25 लोगों से ज्यादा का पास मिल नहीं सका उनको प्रोटोकॉल के अनुसार। तो ये 25 लोग ये जो आप देख रहे हैं ये कोविंद जी के बड़े भाई हैं, और कोविंद जी इनकी पत्नी कोविंद जी को लल्ला कहती हैं। ये लल्ला शब्द का क्या मतलब है? ऐसा है, मेरी माँ भी कहती थी, मुझे भी मेरी भाभी लाला ही कहती हैं। हमारे कानपुर देहात में और इटावा और इधर जालौन और रही इधर जो इलाका है जाके आप भी रहने वाले हैं, क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इतनी खुशी है कि कोई शब्द नहीं है। आज इसका सांडू कैसा फील हो रहा है? अनोखी
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे फील कर रहा है, बहुत अच्छा फील है। धन्यवाद मोदी को कि मेरे मिस्टर गोविंद जी को छुआ, वो मेरे सांडू साहब है, सांडू साहब है। उनके लिए खास संदेश क्या था? भतीजे हैं सर, अशोक कुमार। बहुत तो आप तस्वीरें देख रहे हैं संसद भवन से। संसद भवन के अंदर रामनाथ कोविंद का परिवार सेंट्रल हॉल पहुंच रहा है। दरअसल नियमों के अनुसार सबको सेंट्रल हॉल पे पहले पहुंच जाना होता है। जो पूरे लोग हैं उनको समय के हिसाब से अपनी सीट ले लेनी होती है। और अब ये पूरा का पूरा परिवार, क्योंकि सेंट्रल हॉल की अपनी लिमिटेशन है, उसकी अपनी सीटिंग स्पेस है, इसीलिए उसके अनुसार ही पासिस दिए जाते हैं कि किन किन लोगों को संसद के सेंट्रल हॉल में जाने की अनुमति होगा। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे रामनाथ कोविंद जी के परिवार की, जो परोख और कानपुर से आया है। आप तो उनके पड़ोसी हैं, वो उसी मोहल्ले में रहते हैं थे कानपुर के अंदर, जिसके एक किलोमीटर पर आपका घर था। तो आप बताइए कि ऐसे हम्बल परिवार से, हम्बल बैकग्राउंड से आना और इस पद तक पहुंच जाना, आई थिंक ये उनकी कर्मठता, जीवंतता और जो जो निस्वार्थ सेवा है उसका परिणाम होगा। मुझे लगता है उनकी जो सहजता है और बहुत ही लो प्रोफाइल तरीके से रहना कि अपने को ज्यादा दिखाना नहीं, दो बार सांसद रहे वो राज्यसभा से, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष भी रहे, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे, लेकिन कानपुर में हम लोग, मैं तो उनके पड़ोस में रहता था, रहा हूं, मेरे भाई साहब के वो अच्छे परिचितों में रहे हैं। वो वहां भी कभी उन्होंने, जैसे क्या होता है कि नेता को छोटा सा पद मिल जाता है तो उसका वो धमक बन जाती है, उसका मजबा लगने लगता है और वो गन्नर घूम रहे हैं और राइफल लेकर के और साइरन बजाते हुए गाड़ी निकलती है, ऐसा कोविंद जी का कभी नहीं रहा, पता भी नहीं लगता था कब आए और कब गए। और मैं खुद, चूंकि 1983 से मैं कानपुर से बाहर हूं, मैं जाता था कभी भी, तो हम लोगों को लगता था भाई वहां गोविंद जी दयानंद विहार में वो रहते हैं इंदिरा नगर के पास, चूंकि कल्याणपुर क्षेत्र है जहां तमाम नई बस्तियां बसी हैं, उसमें दयानंद विहार भी है, इंदिरा नगर भी है जहां वो पहले रहते थे, हमारा घर मूल कल्याणपुर में ही है। तो जीटी रोड के उस तरफ गोविंद जी का घर था और जीटी रोड के दूसरी तरफ हमारा घर है, और वहां पर अक्सर वो जो है कुछ जैसे जो है आते थे, मिलते हुए स्थानीय लोगों से, खासकर स्थानीय भाजपा के जो कार्यकर्ता और जो स्थानीय नेता है, एक अशोक सिंह दद्दा हमारे पारिवारिक मित्रों में हैं, वो उनके बड़े करीबी लोग रहे, मेरे भाई साहब खुद उनके करीबी लोग रहे, हालांकि भाई साहब का भाजपा से लेना नहीं था, वो तो समाजवादी है, लेकिन फिर भी जो है व्यक्तिगत रिश्ते होंगे सबके बड़े अच्छे रहे। और उस नाते गोविंद जी बहुत ही सहज वो माने जाते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, फिर आऊंगा, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है रामनाथ कोविंद जी का, बीजेपी में हम सब बहुत सक्रिय पत्रकार रहे हैं, लेकिन प्रवक्ता बनने के बाद भी कोविंद जी बहुत कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए, और उनकी सहजता थी कि जब भी मिलते थे बेहद सहजता से मिल लेते थे, कभी उनके मन में फीलिंग नहीं होती थी कि वो किसी पद पर हैं, इतनी बड़ी पार्टी के एक संगठन के पद पर हैं और या राज्यसभा के दो दो बार सांसद रही हैं, ये सहजता ही शायद उनको आज यहां लेकर आई है। फिलहाल एक ब्रेक। जन्म 1 अक्टूबर 1945 में साधारण दलित परिवार में परोख गांव में हुआ, जो कानपुर देहात में है। सीधे आपको लिए चलते हैं परोख गांव, जहां पर अभी भी पैतृक घर उनका जो दो कमरे का है वो मौजूद है। घास फूस की झोपड़ी हुआ करती थी और उसमें उनको आग भी लग गई थी जब वो 6 साल की उम्र में के थे, और उस दुखद घटना में उनकी मां का देहांत हो गया था, तब से उनका लालन पालन उनके पिता ने किया। मैं सीधे चलता हूं परोख गांव, जहां से हमारे सहयोगी वर्णित गुप्ता मौजूद है, एसएम खान साहब फिर जुड़ गए हैं, अर्चना दत्ता जी भी मेरे साथ जुड़ी है, दोनों प्रेस सेक्रेटरी रह चुके हैं, महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की प्रेस सेक्रेटरी रही थी अर्चना दत्ता जी, और एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जो प्रेस प्रतिनिधि थे, प्रेस सेक्रेटरी थे, वो थे एसएम खान साहब। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि बड़ी दिलचस्प कहानी है रामनाथ कोविंद जी के, उनके घर की, उनके परिवार की, क्या हाल है इस वक्त उनके पैतृक घर का, और किस तरीके से उसको सजाया गया है या उसको ऐसा बनाया गया है कि वाकई उस घर का जन्मा एक बच्चा आज राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहा है। देखिए दीपक जी, इस वक्त परोख गांव में जश्न का माहौल है। यहां पे जितने भी बच्चे हैं वो आज स्कूल भी नहीं गए हैं, स्कूल को बंक करके यहां पे आज बैठे हुए हैं, एक जश्न का माहौल है। लिहाजा आप यहां पे पीछे अगर देखें तो टेंट भी लगाया गया है, कुछ लोगों के लिए यहां पे कुर्सियों की भी व्यवस्था की गई है, खाने पीने के पकवान भी बनाए जा रहे हैं,
और ये पकवान जो कि रामनाथ कोविंद जी को बहुत ही पसंद थे, उनके प्रिय जो पकवान थे वो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं और वो सारे पकवान जो है यहाँ पे लोगों को बांटे भी जाएंगे। डीजे का म्यूजिक का पूरा इंतजाम किया गया है। आइए पहले यहाँ के बच्चों से और जो लोग हैं यहाँ पे उनसे पूछते हैं कितने खुश हैं आज, आज वो रामनाथ कोविंद जी आज शपथ लेंगे राष्ट्रपति पद की, तो कैसे आप देखते हैं इसे, कितना आप अपने आप को इंस्पायर होते हैं इस पूरे जब आप ये पूरी पिक्चरें अभी जब चलना चालू होंगी थोड़ी देर में? सर मैं बहुत ही खुश हूँ यहाँ पर गांव से। मैं ये चाहता हूँ कि अपने मतलब मेरे जैसे जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे उनसे कुछ सीखें, वो इतनी गरीबी से पढ़ के गए हैं इस पद पर पहुंचे हैं, हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है ये सर। और हम लोगों को बहुत खुशी है देखना, अभी डीजे आ रहा है गाँव में, पीछे आ रहा है, वो फंस गया है थोड़ा, लेकिन हाँ आ जाएगा अभी 5 मिनट के अंदर आ जाएगा। आपके ही चैनल से मैंने उस दिन भी देखा था जब आपने दिखाया था 66% वोट मिले उनको, हम लोग आप ही के चैनल पे खड़े थे, बहुत खुशी है सर बहुत। आपसे पूछना चाहेंगे तैयारियां क्या है आज यहाँ पे, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे जश्न मना रहे हैं? एक मिनट में मैं फिर आपके पास आऊंगा, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तब 11:20 पर रामनाथ कोविंद जी अपने घर से निकलेंगे, राष्ट्रपति भवन की तरफ रवाना होंगे, जहां पर फोर कोर्ट पर नॉर्थ कोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे प्रणब मुखर्जी जी, और उसके बाद परंपरागत ढंग से उनको अंदर लिया जाएगा, बातचीत की जाएगी, फिर दोनों रवाना होंगे सीधे संसद भवन के लिए जहां के सेंट्रल हॉल में शपथ विधि होनी है। फिलहाल एक ब्रेक।